अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा ना कि एक बहन हमारी और दूसरी बहन के ऊपर, वो भी मेरी बहन और बहुत अच्छी दोस्त भी, इब्राहिम ब्लॉग वाली बहन की बात कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छी दोस्त भी और बहुत अच्छी बहन भी, तो उसके ऊपर एक दूसरी बहन उठकर जो है वो कीचड़ पे कीचड़ रोज़ की रोज़ उछाले जा रही है, उछाले जा रही है, उछाले जा रही है। कभी कोई बात, वो गुटखा खाने वाली, वो ये करने वाली, अरे भाई गुटखा खाती के पान खाती है क्या, जो भी आपसे पैसे लेके थोड़ी ना खा रही है, वो अपने पैसों का खा रही है, अपने शौहर के पैसों का खा रही है। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? या आपसे उसने मांगा है कॉल करके? तो आप ये वाला प्रूफ, आप बहुत प्रूफ खेल रही हो आजकल आपके ऊपर मुझे लगता है कि ये दौरा पड़ा हुआ है प्रूफ का, जो आप प्रूफ दिखा के जो है ये साबित कर रही हो और बता रही हो सबको। तो आप मुझे भी एक प्रूफ दो अब कि वो गुटखा खाती है, वो पान खाती है, वो छालियाँ खाती है, ठीक है? तो आपसे उसने कब कॉल करके पैसे मांगे, मुझे ये वाला प्रूफ आप लाजमी देना कि उसने आपसे कब पैसे मांगे गुटके और पान के। वो पैसे आपको मैं पे करूंगी और मैं इजीली कर भी सकती हूँ क्योंकि आप पाकिस्तान में ही हो, ठीक है ना? मैं भी पाकिस्तान में हूँ, तो उसके गुटके और पान के पैसे मैं पे करूँगी। आप मेरे को खाली ये बताओ कि आपसे उसने कितने पैसे मांगे गुटके और पान के लिए, ठीक है? और दूसरी बात ये, क्या बोलती हो कि ये लोगों से पैसे मांगती है? अच्छा जी, कितने लोगों से पैसे मांगे ज़रा ये भी प्रूफ दीजिए आप। जिस भाई से उसने पैसे लिए, पहली बात कि उसने शौक से नहीं लिए, और अल्लाह पाक ऐसी नौबत, ऐसे हालात किसी के भी घर के ना करे, कोई किसी के आगे हाथ फैलाए या उससे कोई मदद ले, क्योंकि आप जैसे लोग जिंदा है ना बदनाम करने के लिए। आप भूल गई हैं पाकिस्तान में अभी भी वो सैलाब जो आया हुआ है, हज़ारों लोग वहाँ पे, लाखों लोग जो है वो परेशान है, और हज़ारों लाखों लोगों की वहाँ पे मदद पहुँच रही है, पर आप जैसे लोग नहीं करते किसी की मदद, क्योंकि आप जैसे लोग लोगों पर सिर्फ कीचड़ उछालते हैं जैसे कि आप उछाल रही हो, ठीक है ना? तो यकीनन आपने उन जो सैलाब जदगान की ना मदद भी नहीं करी होगी, क्योंकि आप उनमें से हो ही नहीं, आप उस कैटेगरी की हो ही नहीं कि आप किसी की मदद करो। और अगर किसी ने मदद कर भी दी तो आप उसको उछाल उछाल के बता रही, तो इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं है। आप कोई इनके अलावा अगर कोई और बंदा है जिससे उसने पैसे लिए, आप वो वाला प्रूफ दीजिए कि वो उसने और किससे पैसे लिए, ठीक है? क्योंकि ये बात ना उसने बार बार, इब्राहिम ब्लॉग वाली आयशा सिस्टर ने बार बार वीडियो में अपनी बता दिया कि हाँ मेरी मदद की थी, हाँ मेरी हेल्प की थी। तो यार उसने फाइनेंशियली अगर किसी आदमी ने, आरिफ भाई आई थिंक नाम है ना, तो उन्होंने अगर मदद की तो आप उनकी भी नेकी ज़ाया कर रही हो, उनकी भी नेकी ज़ाया कर रही हो, और अपना तो आप बुरा कर ही रही हो, क्योंकि उसने जिसने लिए, आयशा ने अगर लिए, इब्राहिम ब्लॉग वाली बहन ने अगर पैसे लिए तो उसने शौक से नहीं लिए, कोई ना कोई उसकी मजबूरी रही होगी ना कि चलो घर के हालात कुछ उतरे। और आज अगर वो यूट्यूब पे, या मैं यूट्यूब पर हूँ या आप यूट्यूब पर हो, आप अगर चैनल चला रहे हो अपना, तो चार पैसों की इनकम के लिए लाख अभी भी हम कह रहे हैं, अभी तक मुझे पता है कि हमें से किसी ने कोई यूट्यूब की कमाई नहीं है, किसी के पास अभी कोई इनकम आई नहीं है। पर क्या आज नहीं तो कल जब आएगी तो अच्छा है, वो हमारे घर में काम आएगी, हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा, यही सोचते हुए यूट्यूब पे चैनल बनाया ना आपने भी, और हमने भी, और इब्राहिम ब्लॉग वाली ने भी बनाया। तो आप क्यों उसको इतना जलील कर रही हो, इतना क्यों रुसवा कर रही हो कि ये देखो और किससे मांगे, इसके अलावा की रिकॉर्डिंग दिखाओ तो मैं आपको मान जाऊँगी कि उसने इनके अलावा जो आरिफ भाई हैं उनके अलावा उसने और किसी लोगों से पैसे मांगे। कोई है प्रूफ तो वो प्रूफ दिखाना आप, ये वाले प्रूफ तो ये तो बेकार है, क्योंकि वो अगली ने चिल्ला चिल्ला के अपनी वीडियो में खुद ही बता दिया कि हाँ मेरी फाइनेंशियली तौर पे मेरी मदद की थी, मेरी हेल्प की थी। और आपको शर्म नहीं आ रही, आप एक औरत हो के, आपकी भी बेटियाँ होंगी, जब भी आपके चैनल का नाम जो है बेटियों से रिलेटेड है, तो आपको शर्म नहीं आ रही? आपकी अगर पिछली आप रिएक्शन पर तो अभी आई हैं, आप इससे पहले आप बयानात देती थी, ये करती थी, तो वो क्या था, आपका ड्रामा था क्या वो सब कुछ?
और आप उसको बंगालन 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 बोलती रहती हो, तो पहली बात मुझे ये बात बहुत ही बुरी लगती है भाई। किसी के मजहब के लिए, किसी की जात के लिए किसी को हक नहीं बनता। ये मैं बार बार अपनी वीडियो में, कोई बंगाली हो, पठान हो, बलोची हो, सिंधी हो, कोई भी हो, कुछ आपको क्या, आप भी तो पंजाबी हो। आपकी लैंग्वेज से साफ पता लगता है कि आप पंजाबी हो। जिस तरीके से आप बात करती हो, ये औरत यूं कर रही, यूं कर रही हो, चीला भाई हो, हीरा भाई तूने ये किया हो, हीरा भाई, तो ये आपसे पता लगता है कि आप भी पंजाबी हो। तो वो आपके ऊपर भी टारगेट करे, पंजाबी पंजाबी पंजाबन बोले आपको, पंजाबन खाला आपका नाम रख दे, अच्छा लगेगा आपको पंजाबन खाला नाम अपना? नहीं अच्छा लगेगा ना, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। इस तरीके से अगर कोई आपके लिए भी कोई वीडियो बनाएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप उनके लिए वीडियो बना रही हो, जहर तरीन लग रही है मुझे आपकी आजकल की वीडियो, कि आप उनको क्यों टारगेट कर रही हो, क्यों? वो एक गरीब घर की औरत है, अपने अपने घर गृहस्थी, अपने मियाँ बीवी बच्चे सब ले रही है और नोक झोंक। कौन सा दुनिया में ऐसा मियाँ बीवी का रिश्ता और ऐसा घराना है कि जहाँ पर लड़ाई झगड़े या नोक झोंक नहीं होती है? आप मुझे बताएं, आपकी नहीं होती होगी क्या अपने हस्बैंड से? सबकी होती है, कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। और अगर उन्होंने किसी को अपनी बहन मान के या अपनी एक अच्छी दोस्त मान के आपस में डिस्कस कर लिया, तो इसमें कौन सा गुनाह कर लिया? आपने तो हवा ही बना लिया इस बात को, बात का बतंगड़ बना के रख दिया एकदम, कि मियाँ की ना हुई, मियाँ की नहीं, मियाँ की नहीं हुई तो किसकी हुई बहन? ज़रा बताओ मुझे भी, मियाँ की नहीं हुई तो वो किसकी हुई फिर? ये बात आप मुझे अभी थोड़ा समझा दो कि वो मियाँ की नहीं है तो फिर वो किसकी है, थोड़ा बताओ मुझे भी। आपने और उसको किसके साथ देख लिया जो आप उसके लिए ऐसा बोल रही हो कि अपने मियाँ की? अपने मियाँ बगल में लेके बैठी थी आज वो वीडियो में, देखी थी आपने वो वीडियो? या आंखों पे पट्टी बांध ली थी? आप उसके मियाँ की बहन हो क्या, या उसके मियाँ की फुप्पो की लड़की हो? आप हो कौन उन मियाँ बीवी के मामले में बोलने वाली? मुझे आप ये बात बताइए। आप अपना भी नाम बदनाम कर रही हो, अपने मुल्क का भी नाम बदनाम कर रही हो। आपको पता है लोग आपको इंडिया का जासूस बोलने लगे? आपको नहीं समझ आ रही ये बात? आप क्यों किसी के ऊपर कीचड़ उछाल रही हो, बिला फालतू की उछाल रही हो? मतलब कोई कंटेंट नहीं है क्या? अगर आप अच्छी दोस्त होती तो आपस में डिस्कस करके कंटेंट मिल जाता है, पर आपने वो अच्छाई अपनी दिखाई नहीं है, आपने वो अच्छाई दिखाई नहीं है। कंटेंट तो वरना भरे पड़े, उन पर क्यों नहीं वीडियो बना रही? क्यों? क्योंकि आपने भी क्या किसी से पैसे लिए? आप रिकॉर्डिंग आज सुना रही थी ना उनकी, कि उसमें को वो कोई आरिफ भाई जो है वो शायद बोल रहे थे कि बुड्ढे की वजह क्या, बुड्ढी की वजह। तो यानी आपको भी यकीनन 100% फिर पैसे मिले हैं, और आपको भी बोला गया है कि ये लो पैसे और ये इब्राहिम वाली ब्लॉग की वजह हो। जब भी आप दे धनादन वीडियो डाल रही हो और उनके नाम के जो है ना वो पैसे कमा रही हो, मैं ये नहीं बोलूँगी भीख कमा रही हो, ये वो ये नहीं बोलूँगी, ये वर्ड मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, पर उनके नाम के ऊपर आप जो है वो व्यूज़ ले रही हो, डॉलर कमा रही हो, है ना? यानी आपने भी पैसे ले लिए, तो फिर आप में और उनमें अब क्या फ़र्क रह गया? आपको भी किसी ने बचाने का बोला होगा ना यकीनन फिर तो, जब दे धनाधन ला रही हो वीडियो, कॉन्टेंट बना रही हो अपना, है ना? वरना तो आप तो शीला भाई के ऊपर वीडियो बनाती थी, क्यों छोड़ दिया? क्यों ऊपर वाली मैडम ने या आपको बोला है, जो आपके सर के ऊपर जिनका हाथ है ऊपर वाली मैडम आपके, उन्होंने बोला है कि अभी उसकी नहीं बल्कि अब जो है वो इब्राहिम मिलाव वाली की बजाओ, है ना? शर्म करो यार, शर्म करो। इतना अच्छा नाम चैनल का रखा है, बेटियों उसे लेकर आपने नाम स्टार्ट किया हुआ है अपने चैनल का, और आप खुद भी अच्छी हो, ठीक है, और आप अच्छी अच्छी बातें करती आ रही हो वीडियो में, पर अभी क्या आपको दौरा पड़ा है यार, या अपना इलाज कराओ। पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी हॉस्पिटल है, आपको पता है अच्छे से, ठीक है, तो आप इलाज करवाओ अपना। आपको लगता है मुझे इलाज की ज़रूरत पड़ गई है, आप जाओ और इलाज कराओ, और मेहरबानी होगी कि आप उनके ऊपर अब कोई और वीडियो ना बनाओ तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप भी मेरी बहन हो, वो भी मेरी बहन है। अगर कोई 3rd पर्सन आपके लिए भी वीडियो बनाता ना, तो मैं 100% आपकी फेवर में वीडियो बनाती, पर आपको भी मैं बहुत अच्छी बहन मानती थी, आपको भी मैं सलाम दुआ के मैसेजेस करती थी, ठीक है, और
आयशा से भी मेरी बहुत अच्छी, इब्राहिम ब्लॉग वाली, उससे भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, उससे भी मेरी बात होती रहती है, आपसे ज़्यादा खैर उसी से ही रहती है मेरी बातचीत। तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि आप इस तरीके से मेरी दोस्त को, मेरी बहन को जो है इस तरीके से बोल रही हो। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपके लिए भी कोई गलत बोलता तो मैं 100% आपके लिए भी वीडियो बनाती, पर आपने ऐसे काम नहीं करे कि आपके लिए अब वीडियो बनाई जाए। आप तो खुद आप बोलती हो उनको छोटा यूट्यूबर, यार उससे छोटी तो आप छोटी यूट्यूबर हो, और मैं तो बहुत ही छोटी हूँ, मैं तो सबसे छोटी मैं हूँ, सबसे ज़्यादा गुनाहगार, सबसे छोटी जो दर्जा है ना वो मेरा है भाई, मैं उसमें खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कभी अपने आप को बड़ा नहीं बोलती हूँ, आपको बड़ा बनना है बड़ी बनो, पर अपने अच्छी बातों से, अपने अखलाक से बनो। क्या सब्सक्राइबर पर खेल रही हो आप, फिर भी सब्सक्राइबर में बोलूँगी तो वो बड़ी है भाई, मुझसे भी और आपसे भी 3000 समथिंग उसके सब्सक्राइबर है, हमको दो हज़ार सब्सक्राइबर लेकर बैठे हुए हैं, उस पर आप इतना उछल रही हो। अभी सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर हुए तो आप इतना उछल रही हो, और खैर से आपके हो गए कोई 50-60 हज़ार या एक 1.5 लाख 2 लाख या मिलियंस में पहुँच गए तो आप क्या करोगी? आप तो इंसानों को कचरा समझोगी, आप तो उन्हें कीड़े मकोड़े समझोगे, ज़मीन पे चलने वाले। खुदा का खौफ करो, अक्ल के नाखून लो बहन मेरी, अक्ल के नाखून लो। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहती हूँ, और प्लीज़ जो न्यू फ्रेंड आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट करें, ठीक है। और मेरी किसी भी बहन के लिए, किसी भी यूट्यूबर बहन के लिए, अगर कोई इस तरीके की कीचड़ उछालने वाली बिना फालतू की वीडियो बनाएगा तो मैं 100% उसके लिए वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे मैं माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।